हाँ, मैंने मतदान किया है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार प्रधान। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? पूरी तरीका से आश्वस्त है। नरेंद्र मोदी जी का दुनिया में लहर चल रहा है, सुनामी चल रहा है। कौन से मुद्दे हावी रहे लोकसभा में? कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जो जनकल्याणकारी मुद्दा है, 3100 रुपये में किसानों की धान खरीदने की मुद्दा हो, महतारी वंदन के नाम से 1000 रुपया हर माता बहनों को देने की बात हो, गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कच्चा मकान को पक्का मकान बनाने की बात हो, हर घर में नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पीने की पानी पहुंचाने की बात हो, फ्री में राशन देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के गरीब का फ्री में इलाज कराने की बात हो, तमाम मुद्दा है। और इन मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच में गए और ये मुद्दा गाँव के लोगों को, गरीब लोगों को बहुत बढ़िया जो योजना है उन तक पहुंच रही है। पिछले बार बृज ठाकुर 5000 वोटों से हार गए थे, इस बार कितने वोटों से हराएंगे? प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करेगी। जनसंपर्क के दौरान जो लोगों का क्या मांग रही है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, मोदी की गारंटी योजना है, उसको देखा परखा और अभी जनता जनार्दन होता है लोकतंत्र में, वो फैसला करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है।